हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं, आप देख रहे हैं सिनेमा सागा। भाई वहाज अली, भाई वहाज अली ने 2023 में तो भाईजान तबाहियां मचा के रख दी। इस साल सबसे ज्यादा ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर वही छाए रहे और उनका एक ड्रामा तेरे बिन, जिसकी वजह से इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया और ड्रामा इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा व्यूअरशिप लेने वाला, सबसे ज्यादा हिट होने वाला भाईजान वो ड्रामा बना और क्या उसने रिकॉर्ड बनाए। और अब बात करेंगे इस वीडियो के अंदर वहाज अली के 2024 में अपकमिंग 5 प्रोजेक्ट्स। भाई बाकियों का पता नहीं कि भाई आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन मैं आपके सामने लेके आ चुका हूँ 5 वो प्रोजेक्ट जो हमें 2024 में देखने को मिल सकते हैं, जिनमें 2 वेब सीरीज और 3 ड्रामा और जो नंबर 1 पे है भाई वो रिकॉर्ड तोड़ेगी। वो मुझे लगता है कि रिकॉर्ड तोड़ देगा वो वाला प्रोजेक्ट, क्योंकि उसका जो राइटर है वो आपको एंड में बताऊंगा तो मजा ही आ जाएगा आपको। बात करते हैं भाईजान सबसे पहले 5वें नंबर के प्रोजेक्ट की, तो वो है गाओ। भाईजान गाओ नाम है और यहाँ पे इनके साथ नजर आने वाली हैं धुरे फिशा और जारा नूर, और इन दोनों के साथ साथ यहाँ पे ये प्रोजेक्ट करेंगे और ये कई अरसे से तैयार है, ये वेब सीरीज होने वाली है, काफी अरसे से तैयार है, 1-2 साल हो गए हैं सुना इसकी भी शूटिंग वूटिंग हो गई है, लेकिन ये Z5 पे आनी थी, इंडियन जो OTT प्लेटफॉर्म है, लेकिन वहाँ पे अभी तक ये सीरीज रिलीज नहीं हो चुकी, अभी तक पता नहीं क्या मसला है, और फिर जब रिलीज होगी तो जरूर आपको मैं बताऊंगा। 4th नंबर पे आती है द पिंक शर्ट, जिसके बारे में मैंने आपको रिव्यू भी दिया था जब इसका एक छोटा टीजर आया था, और ये सज्जल अली और इसमें वहाज होने वाले हैं, दोनों इसमें होने वाले हैं, और ये एक सीरीज अच्छी सीरीज मुझे लग रही थी, और अगर आपने इसका रिव्यू नहीं देखा तो यार जाकर चैनल पे जरूर देख लेना, और ये भी इस साल आपको देखने को मिल सकती है। 3rd नंबर पे है जो प्रोजेक्ट है वो अनऑफिशियल है, मतलब कि अभी तक उसकी ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, उसका टाइटल अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लेकिन इतना पता है कि भाई के राइटर हैं हसनैन इमाम, तो भी उसकी बात करें तो उन्होंने कहा है कि भाई इसमें आयजा खान और वहाज अली दोबारा से नजर आएंगे और ये ड्रामा भी आपको इस साल के दरमियान में या एंड तक देखने को मिल सकता है। अभी इसकी वैसे राइटिंग पे काम चल रहा है, ये तकरीबन आपको थोड़ा सा लेट हो जाएगा ड्रामा। तो 2nd नंबर पे आ जाते हैं तेरे बिन वन ने जो रिकॉर्ड्स बनाए थे उसके बाद तेरे बिन टू इस साल आएगा, और कल तक या परसों तक इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो जाएगी और बहुत जल्द और यह हमें पता लग जाएगा भाई कंटिन्यूशन होगी जो पिछला ड्रामा जहां से खत्म हुआ था या बिल्कुल न्यू स्टोरी बनाई जाएगी, उसके ऊपर अपडेट आ जाएगी बहुत जल्द, तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, सब बताऊंगा आपको। तो भाई इस पहले नंबर पे जो है उसका नाम है सुन मेरे दिल। भाई जान इसकी ऑफिशियल 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 भी अनाउंसमेंट भी हो चुकी है, और इसके जो राइटर हैं वो आपको बता दूं उसका उनका नाम है खलीलुर रहमान कंवर। भाई साहब ये राइटर मेरे फेवरेट हैं, शायद पाकिस्तान में जो जो ड्रामास देखते होंगे उन सब के ये फेवरेट राइटर होंगे, क्योंकि इनका कोई ऐसा ड्रामा कोई ऐसी मूवी अब तक नहीं है जो कि मुझे कम से कम पसंद आया हो, कम से कम उसकी स्टोरी और जो डायलॉग्स होते हैं भाई वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं। भाई दूसरा प्रोजेक्ट तकरीबन मेरे ख्याल से शायद दूसरा ही प्रोजेक्ट होगा जो वहाज अली के साथ ये करने जा रहे हैं, और यहाँ पे आपको लीड रोल में नज़र आने वाली है माया अली, हीरा मानी और उसामा खान, और यहाँ पे आपको ऑब्वियसली वहाज अली भी देखने को मिलेंगे। तो भाई ये 5 प्रोजेक्ट हैं जो कि आप इस साल एक्सपेक्टेड कर सकते हो कि भाई इस साल ये 5 तकरीबन प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, और 1-2 प्रोजेक्ट अगर बढ़ गए बाद में तो भाई वो बाद की अपडेट होगी, बाद में आपको दे दूंगा, अभी तक तो इन 5 का हमें पता है भाई ये इस साल आपको देखने को मिल जाएंगे 2024 के अंदर। तो भाई आप बताएं आपको आप इन सब में से किसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो इस तरह की वीडियोस के लिए मैं चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। हाफिज़ बाय।